Hello everyone, welcome to a lecture on formal specification and verification. I am Dr. Velayat Khan. I'm an assistant professor at Comsats University, Islamabad, WA campus. Aaj ke lecture mein hum continue karenge reasoning about lists. अभी तक हमने दो लाइब्रेरीज हम बना चुके हैं, एक का नाम बेसिक्स है और दूसरे का नाम इंडक्शन है. तो ये दो लाइब्रेरीज हम कंपाइल कर चुके हैं यूजिंग कॉक सी कमांड, जो कि कॉक कंपाइलर है, उससे हम इसको यूज करके हम कंपाइल कर चुके हैं. तो इन दोनों बेसिक्स और इंडक्शन के हम डॉट पी ओ फाइल जनरेट कर चुके हैं, और तब हम उनको जब यहाँ इंक्लूड करेंगे तो हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं. सो हमें एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज को कंपाइल करने का तरीका, ये डिफरेंट तरीके हैं. मैक फाइल एक मेथड है, कॉक्सी कंपाइलर डायरेक्टली आप कर सकते हैं. तो इंडक्शन डॉट वी जो चैप्टर है सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का, उसमें इंडक्शन चैप्टर में सारे मेथड्स गिवन है, डिटेल गिवन है. तो आई वुड एडवाइज यू टू प्लीज रीड द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ चैप्टर इंडक्शन डॉट वी. हमने लास्ट लेक्चर में हमने नेट लिस्ट एक डेटा टाइप बनाया था, और इसके कुछ नोटेशंस हमने बनाए थे कि किस तरह हम एक एलिमेंट किसी लिस्ट के किस तरह हम हेड और टेल रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी लिस्ट किस तरह करेंगे, और फिर मल्टीपल एलिमेंट्स या वैल्यूज किसी लिस्ट को ब्रैकेट में किस तरह बंद करेंगे, जिस तरह ये एग्जांपल है सेमी कॉलन से हर एक एलिमेंट को सेपरेट करेंगे. मैं यहाँ तक कंपाइल कर लूंगा यूजिंग गो टू द कर्सर बटन, और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा. मैं एक रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ, टेक्स्ट फाइंड रिफीट. ये रिफीट फंक्शन एन एक वैल्यू है, इसको काउंट नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिपीट करेगा एक नेट लिस्ट लिस्ट में. सो नेट लिस्ट ये रिटर्न करेगा, और दो आर्गुमेंट्स नेट टाइप के मैं इसको पास करना चाहता हूँ. एन एक नेचुरल नंबर है, और इसको रिपीट किया जाएगा इसी लिस्ट में. यानी एक लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें ये एलिमेंट जो पहला आर्गुमेंट है इसको इसके अक्रेंसेस काउंट नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, काउंट जो भी वैल्यू होगी इतने नंबर ऑफ टाइम्स एन को रिपीट किया जाएगा. सो ये रिकर्सिव फंक्शन है, मैच विद मैच काउंट विद काउंट के ऊपर पैटर्न मैचिंग करेंगे. तो इसके इसके जो पैटर्न मैचिंग करेंगे, तो पहला जो इसका पैटर्न होगा वो नेचुरल नंबर है तो ओ होगा, और फिर ये एम्प्टी लिस्ट इसको रिटर्न करना चाहिए कि जब नंबर ऑफ रिपीटेशन हमारे पास जीरो हो तो कोई नंबर एन इसको बिल्कुल रिपीट जीरो टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, सो दैट वुड मीन एम्प्टी लिस्ट. और अगर सक्सेसर फॉलोड बाय सम नेचुरल नंबर हो, दैट इज लेट्स से काउंट प्राइम, तो इसको हम जो रिपीट कराएंगे तो एन एक मरतबा रिपीट कराएंगे, और फिर हम रिपीट फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन इसको कॉल कर लेंगे विद एन एन काउंट प्राइम. तो ये हर जब हर मरतबा ये काउंट डिक्रीज होगा तो एक मरतबा हम एन को रिपीट करवाएंगे, इस लिस्ट में ऐड कराएंगे एज अ हेड. तो एक मरतबा एन इधर ऐड हो जाएगा, फिर अगेन जब ये रिपीट अपने आप को कॉल करेगा तो फिर से इधर ऐड हो जाएगा, और ये कंटिन्यू रहेगा. तो जितने काउंट की वैल्यू होगी इतने टाइम्स एन इस लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा. तो इसको क्लोज करते इस पैटर्न को और कंपाइल करते देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है. तो कॉक कंपाइलर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं. कंप्यूट रिपीट
फॉर एग्जांपल 2, 3, मैं 2 को 3 टाइम्स रिपीट कराना चाहता हूँ, सो देयर वुड बी अ लिस्ट, और उस लिस्ट में 2 3 मतलब रिपीट हुआ होगा, सो 2 हैज बीन रिपीटेड 3 टाइम्स इन दिस लिस्ट, तो ये रिपीट करा है। सो इस टेस्ट से पता चलता है कि ये फंक्शन ठीक काम कर रहे हैं। हम इसके लिए भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं नोटेशन। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक्स अगर रिपीट करवाना है, और मैं फॉर एग्जांपल ये दो एक्सक्लेमेशन मार्क दो मतलब मैं लगाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज दैट इज द नोटेशन। तो काउंट एक वैल्यू है जो नंबर ऑफ रिपीटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स वो वैल्यू है जिसको हम रिपीट करवाना चाहते हैं। तो ये दो आर्गुमेंट्स इसी तरह रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, नोटेशन यही हम यूज करना चाहते हैं, और हम चाहें कि ये इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करें, एक्स काउंट और आप एट लेवल 60। मैं इसका लेवल प्रेसिडेंस लेवल चूज करना चाहता हूँ, राइट एसोसिएटिविटी डॉट, चेक करते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल ये एक्सेप्ट करता है, और इसको हम इस नोटेशन को हम यहाँ यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा कि कंप्यूट, और मैं 3 को लेट सपोज 100 टाइम मैं इसको रिपीट करवाना चाहता हूँ 100 टाइम, तो लेट मी कंपाइल दिस। तो ये 100 टाइम्स रिपीट करवा रहा है, 3 को 100 टाइम्स रिपीट करवा रहा है। तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक नोटेशन चूज कर रहे हैं, और कोई और नोटेशन भी अगर पहले से यूज नहीं हो रहा तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम नेट लिस्ट के ऊपर फर्दर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। फिक्स पॉइंट जो कि लेंथ के लिए एक फंक्शन है, फिक्स पॉइंट लेंथ, और मैं एक नेट लिस्ट इसको एज आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ, और नेट जो कि लेंथ है जो नेचुरल नंबर ही होगा, तो उसको मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ, मैच एल विद। अब अगर एल ये जो लिस्ट है ये नल हुआ, तो फिर जीरो रिटर्न करना चाहिए, और जीरो रिटर्न करना चाहिए। और अगर ये लिस्ट नॉन निल हुआ, फॉर एग्जांपल कॉन्स ये इस टाइप का हुआ, कॉन्स एच फॉलोड बाय टेल, हेड फॉलोड बाय टेल इसी शक्ल का हुआ, तो फिर सक्सेसर जो कि इंक्रीमेंट कर रहा है किसको, लेंथ टीएल, इसको ये लेंथ अपने आप को फिर से कॉल कर रहे हैं, और इस टेल के लिए ये देखेगा कि टेल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हर एलिमेंट के लिए बाय वन इंक्रीमेंट करते हैं, और जितने एलिमेंट्स होंगे तो उतनी मरतबा ये इंक्रीमेंट होगा, जीरो उतने मरतबा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि एट द एंड नल होगा तो जीरो रिटर्न होगा। तो इस पैटर्न को भी क्लोज करते हैं एंड डॉट। सो लेंथ फंक्शन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस नेट लिस्ट जो हम एज आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करेगा। तो अगर लेस्ट नल है तो ये जीरो रिटर्न करेगा, और अगर नल नहीं है तो फिर ये हर एलिमेंट के लिए एक हेड इधर होगा, तो हेड को निकाल के टेल के लिए रिपीट करवाएगा, और हर मरतबा एक इससे लेफ्ट साइड पे लगाएगा। तो मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कि इसका सिंटैक्स ठीक है। यस, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूट लेंथ, और आगे मैं कोई लिस्ट देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 6, और ये सॉरी इसमें सेमी कॉलन हम लगाएंगे क्योंकि दैट इज द नोटेशन वी हैव चोजन फॉर दिस 4, 5, 6, 7। मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ 5 है तो ये 5 रिटर्न करना चाहिए, 5, सो 5 इज द लेंथ ऑफ दिस नेट लिस्ट। सो नेट लिस्ट का लेंथ जो फंक्शन है ये ठीक तरह से काम कर रहे हैं।
So length is a recursive function which has been defined. इसी तरह हम दो net lists को अगर आपस में concatenate करना चाहते हैं तो there is the operation called append. हम दो lists को एक दूसरे के साथ append कर सकते हैं. तो इसके लिए recursive function text point app. अगर हम दो lists इसमें as argument pass करें, एक list 1 है, दूसरा list 2 है, और दोनों list का जो type है that is net list. दो लिस्ट हम एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और एक लिस्ट इससे बना के रिटर्न कराएगा. एंड दिस इज टू बी डिफाइंड एज, हम किसी एक लिस्ट के ऊपर पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं, दोनों के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक पर पैटर्न मैचिंग करके इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. तो पहले लिस्ट के ऊपर पैटर्न मैचिंग करके हम देखना चाहते हैं मैच एल वन विद, और ये L1 अगर नल हुआ तो दूसरे लिस्ट को रिटर्न करना चाहिए. L1 अगर नल हुआ तो L2 को रिटर्न करें, और अगर L1 नल नहीं है मींस के कॉन्स H टेल, ये दो असल में हेड और टेल के लिए इस्तेमाल हो रही है, जस्ट वेरिएबल्स हैं. इसकी जगह एक्स वाई को भी यूज कर सकते हैं, एम और एन को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. तो और कॉन्स ये लिस्ट डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर, एक नल है और एक कॉन्स है. तो इसी केस में जब L1 नॉन नल है, यानी इसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो फिर अपेंड कैसे करेगा? H को निकाल के हम अपेंड को फिर से कॉल कर लेंगे विद विद टेल एंड L2. तो L2 अपनी जगह रहेगा और L1 में हेड को निकाल के हम इसको बार बार, जो टेल बचेगा इसको बार बार हर रिपीटेशन में, हर कॉल में हम इसको पास कर रहे हैं. तो ये असल में L1 को पहले और L2 को बाद में उसके उसके साथ अपेंड कर लेगा. सो अगर L1 और L2 दो नेट लिस्ट हैं, हम इसको आपस में कैनकेटिनेट करना चाहते हैं, तो L1 पहले होगा और L2 फिर बाद में राइट साइड पे इसके साथ अपेंड होगा, और नेट लिस्ट से एक रिटर्न जो लिस्ट होगा वो दोनों का कंबाइन एक लिस्ट जनरेट होके रिटर्न होगा, दैट इज आल्सो ऑफ द टाइप नेट लिस्ट. तो अगर L1 के ऊपर हम पैटर्न मैचिंग करें तो L1 अगर नल हुआ तो फिर L2 ही रिटर्न करें, क्योंकि L1 नल है तो दैट इज L2 इज द रिजल्टिंग कॉन्केटिनेटेड नेट लिस्ट. और अगर L1 नॉन नल एक लिस्ट है तो हर मरतबा हेड को निकाल के अपेंड को टेल के साथ कॉल करवाना है. तो एट द एंड ये दोनों, ये असल में ये जो ऑपरेशन है, ये L1 जो लिस्ट है इसका हर एक एलिमेंट का एक लिस्ट बना के L2 के साथ अपेंड कर लेगा एंड डॉट, तो ये पैटर्न मैचिंग क्लोज कर लेगा. लेट मी कंपाइल दिस. ये ठीक है, ठीक तरह से कंपाइल हो रहा है, हम इसको चेक कर सकते हैं. कंप्यूट अपेंड, हम दो लिस्ट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं 1, 1, 2 और दूसरा लिस्ट में इसको देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, और इस दोनों को मैं अपेंड करवाना चाहता हूँ. तो हमारे पास एक नया लिस्ट बनेगा, ये L1 है हमारे पास ऊपर फंक्शन में, ये L2 है ऊपर फंक्शन में. तो ये जब अपेंड कराएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 ये एक लिस्ट रिटर्न कराना चाहिए इसको. लेट मी चेक दिस. यस, तो ये कैनकेटिनेटेड रिजल्टिंग लिस्ट है, नेट लिस्ट. तो ये फंक्शन भी ठीक तरह से काम कर रहे हैं, सो वी कैन कंटिन्यू नाउ. और इसके लिए नोटेशन, चूंकि ये काफी यूजफुल ऑपरेशन है, दो लिस्ट को आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, तो इसके लिए अपेंड ऑपरेशन है जो दो लिस्ट को कंबाइन करके एक लिस्ट बनाता है. इसके लिए नोटेशन हम चूज करते हैं x प्लस प्लस y. ये दो x एक लिस्ट है, नेट लिस्ट है, और y भी एक नेट लिस्ट है. तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस अपेंड x y, और इसके लिए लेवल और राइट एसोसिएटिविटी, ये राइट एसोसिएटिव होगा. हम एसोसिएटिविटी 8 लेवल, इसके लिए लेवल भी चूज करते हैं 8 लेवल 60.
ये जो पैटर्न है ये इसी तरह के राइट एसोसिएटिव है या लेफ्ट एसोसिएटिव है, और प्रेसिडेंस लेवल क्या है, इधर एट लेवल पहले था राइट एसोसिएटिविटी बाद में था, इधर राइट एसोसिएटिविटी पहले एट लेवल बाद में, तो दोनों का पैटर्न एक जैसे है, मतलब इस पैरेंथेसिस में दोनों को कामा से सेपरेट करके आप दोनों लगा सकते हैं, जो भी पहले हो, लेवल पहले हो या एसोसिएटिविटी पहले हो, कोई इशू नहीं है, तो दोनों तरीके ठीक है। अब हमने एफ एंड ऑपरेशन को डिफाइन करने के बाद एज ए रिकर्सिव फंक्शन ए पी पी हमने इसके लिए नोटेशन अब बनाया। अब हम इसको यूज भी कर सकते हैं इस नोटेशन को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपेंड 1, 2 और 3, 4, 5 इन दोनों लिस्ट को हमने अपेंड किए थे, हम इसको यहाँ पेस्ट करके और पैरेंथेसिस से क्लोज करके डॉट लगा के और बीच में 2++ लगाएंगे। इस प्लस प्लस का मतलब है बिल्कुल ये वाला काम, यहाँ पर जो अपेंड फंक्शन हमने लगाया तो ये बिल्कुल अपेंड करे, जस्ट प्लस प्लस लगा के आप इसको दो लिस्ट को अपेंड करवा सकते। सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर, हमने यहाँ पर बहुत सारे नोटेशन यूज किए हैं, एक तो ये सेमी कॉलन और ये ब्रैकेट्स, ये भी नोटेशन है और ये प्लस प्लस भी नोटेशन है, तो ये लिस्ट के नोटेशन है, ये दो लिस्ट को अपेंड करने की नोटेशन है, ये अगेन लिस्ट के नोटेशन है। तो हमने नोटेशन का यूज करके बिल्कुल जैसे हम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स में सिंबल्स और नोटेशन यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह के चीज हम यहाँ करवा सकते हैं। लेकिन इसके बैकग्राउंड में इन सारे डेफिनेशंस और फंक्शंस के अपने डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन है, रिगोरस और प्रिसाइज फॉर्मल डेफिनेशंस हमारे पास मौजूद है। हम मजीद फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। हेड एक फंक्शन है जो कि किसी नेट लिस्ट हम पास करेंगे तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द लिस्ट, तो इसको रिटर्न करवाने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, और इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन की जरूरत नहीं है, जस्ट डेफिनेशन जो कि नॉन रिकर्सिव फंक्शन हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो एच डी हेड के लिए एक फंक्शन इसका नाम है, और इसको एक लिस्ट हम पास करेंगे दैट इज अप टाइप नेट लिस्ट, और जो रिटर्न करेगा वो एक नेचुरल नंबर होगा क्योंकि हेड एक सिंगल वैल्यू है और नेट लिस्ट में सारे एलिमेंट्स नेट डेटा टाइप के हैं, तो जो पहला जो हेड रिटर्न होगा दैट वुड बी अप टाइप नेट एंड दिस इज टू बी डिफाइंड एज, हमारे पास पैटर्न मैचिंग करेंगे एल के ऊपर, मैच एल विथ, अगर एल नल है तो हेड पर क्या रिटर्न करे, यहाँ हमें एक वैल्यू रिटर्न करवाना होगा जो डिफॉल्ट होगा, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट का कोई हेड है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, तो हमारे पास इसका कोई हेड नहीं है, लेकिन हमें जरूर हर मरतबा एस डेटा टाइप का कोई वैल्यू ही हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो चूंकि नल लिस्ट के लिए हमारे पास कोई नेचुरल नंबर इसमें है ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं रिटर्न करवा सकते, लेकिन कॉक में इस तरह के फंक्शंस आप डिफाइन नहीं कर सकते, हमें हर मरतबा जरूर कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाना है, क्योंकि नेट डेटा टाइप है तो नेट ही का एक वैल्यू हमें रिटर्न करवाना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं कि एक डिफॉल्ट वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 है तो ये भी हम कर सकते हैं, और ये नहीं जब नल होगा तो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू होगा, हर मरतबा ये 5 ही रिटर्न करेगा, और अगर लेस नॉन नल है इसी शक्ल का कि एक हेड है और बाद में टेल है तो फिर हम हेड को रिटर्न करवाना चाहेंगे एंड वी कैन एंड दिस फंक्शन। लेट मी चेक दिस, ये कॉन्स की स्पेलिंग गलत है तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये अब एक्सेप्ट करा रहे हैं, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कंप्यूट हेड, और मैं एक लिस्ट फॉर एग्जांपल मैं हेड और एक लिस्ट में पास करना चाहता हूँ 3, 4, 5, इस लिस्ट का जो हेड है दैट इज 3 और ये 4, 5 इसका टेल है। याद रखें कि हमने यहाँ पर
डिफॉल्ट वैल्यू 5 रिटर्न करवाया है. लेट्स सपोज अगर मैं इसको एम नेल कर दूं, नेल लिस्ट में पास कर दूं, तो ये 5 रिटर्न कराएगा. हर मरतबा जब नेल हम पास करेंगे तो हम ये 5 रिटर्न करेंगे. दैट 5 इज द डिफॉल्ट वैल्यू. लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा बेहतर मोर जनरलाइज फॉर्म में इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 5 हियर, मैं इसको डी एक या डिफॉल्ट एक वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास करा सकता हूँ, और ये डिफॉल्ट इसी फंक्शन में हम पास कराएंगे कि अगर लिस्ट किसी सूरत में नल हुआ तो दिस आर्गुमेंट शुड बी रिटर्न, दिस फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप नेट शुड बी रिटर्न एज द वैल्यू. तो मैं इधर 5 की जगह मैं इधर डिफॉल्ट लिखूंगा, सो डिफॉल्ट वुड बी रिटर्न एवरी टाइम दिस लिस्ट इज एम्प्टी. तो अब मैं इसको कंपाइल कर सकता हूँ. यहाँ पर हमारे पास एक हेड को हमें एक दूसरा वैल्यू और दूसरा आर्गुमेंट भी बीच में आ गया. तो मैं यहाँ पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 5, हर मरतबा जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो हमें हर मरतबा डिफॉल्ट वैल्यू कोई पास करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आराम से चेंज कर सकता हूँ, तो इस मरतबा ये 3 रिटर्न करेगा. पहले केस में डिफॉल्ट फंक्शन के बॉडी के अंदर था, तो इसको हम जब यूज कर रहे थे, इसको कॉल कर रहे थे, तो तब हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. लेकिन अब हमें आजादी है बाय एडिंग दिस सेकंड आर्गुमेंट, तो अब हम आराम से डिफॉल्ट वैल्यू भी इधर से चेंज करवा सकते हैं. तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है. फर्दरमोर हम यहाँ पर ये जो कॉन्स एच और टी एल है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक नोटेशन यूज किया हुआ है. तो इस कॉन्स की जगह हम ये वाला नोटेशन जो डबल कॉलन है इसको यूज कर सकते हैं. तो इसी तरह नेल की जगह हम नोटेशन ये एम्प्टी ब्रैकेट्स हम यूज कर सकते हैं. सो वी कैन इंट्रोड्यूस नोटेशंस क्योंकि हम ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं. सो ये जो हेड वाला फंक्शन है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा आसान फंक्शन है, जनरलाइज्ड फंक्शन है. इसी तरह हम हेड के अलावा हम टेल भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि टेल ऑफ द नेट लिस्ट रिटर्न कराएगा. डेफिनेशन TL tail, और यहाँ पर हम एक लिस्ट पास करेंगे आर्गुमेंट नेट लिस्ट, और ये रिटर्न भी लिस्ट ही करेगा क्योंकि पहले केस में हेड जस्ट एक नेचुरल नंबर है, लेकिन टेल एक लिस्ट है जिसमें कई एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो ये नेट लिस्ट होगा और इसका जो एंड दिस इज टू बी डिफाइन एज, हम पैटर्न मैचिंग करेंगे मैच एल विथ नल होगा तो हम रिटर्न कराएंगे. अगर लिस्ट जो आर्गुमेंट हम पास करा रहे हैं नल हुआ तो टेल इसका नहीं होगा, तो अभी लिस्ट नल ही होगा. और यहाँ पर देखें हमें डिफॉल्ट की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम नेट लिस्ट पास कर रहे हैं, नेट लिस्ट ही रिटर्न करा रहे हैं और नल एक नेट लिस्ट है, तो हमें डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है. ओके तो हमारे पास अब अगर एच फॉलोड बाई ए टेल हुआ तो हमें टी एल रिटर्न कराना है एंड एंड डॉट, और इसको हम क्लोज कर सकते हैं. सो ये टेल एक फंक्शन है जिसको हम एक लिस्ट पास करेंगे, और जब इसको लिस्ट पास करेंगे तो ये देखेगा कि अगर लिस्ट नल है तो नल ही रिटर्न करे, दैट इज द टेल, और अगर लिस्ट नॉन एम्प्टी नॉन नल है दैट मीन्स कि देयर इज अ हेड एंड देयर इज अ टेल, तो हम टेल को ही रिटर्न करवाएंगे. और हम इसको चेक कर सकते हैं कंप्यूट टेल, और फॉर एग्जांपल मैं 3, 3, 4, 5 ये एक लिस्ट में पास करना चाहता हूँ, तो ये टेल इसका इस लिस्ट का 3 हेड है और ये इसका टेल है, तो 3, 4, 5 एक लिस्ट रिटर्न कराएगा, 4, 5 का एक लिस्ट रिटर्न कराएगा. तो ये टेल का फंक्शन है. हम मजीद फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. रिकर्सिव फंक्शन नॉन जीरो, नॉन जीरो एक फंक्शन है जो कि एक लिस्ट हम इसको एज आर्गुमेंट पास करेंगे, और इस लिस्ट में से अगर की वैल्यू जीरो है तो इस लिस्ट में से उस नेचुरल नंबर जीरो को निकाल के एक लिस्ट बनाया जाएगा जिसमें जीरो कोई नहीं है. इवन दो के इस इनिशियल जो लिस्ट इसको एज ए आर्गुमेंट पास किया जाएगा उसमें अगर जीरो होंगे भी तो जीरो को
रिमूव कराना है। तो फिक्स पॉइंट नॉन जीरोस, और इसको लिस्ट, एक नेट टाइप का एक लिस्ट हम पास करेंगे, और ये रिटर्न भी लिस्ट ही करेगा, नेट लिस्ट ही रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें जीरोस नहीं होंगे। तो ये नॉन जीरोस ये लिस्ट में से जीरोस निकाल देता है। तो पैटर्न मैचिंग मैं कराऊंगा मैच एल विथ, अब अगर जो लिस्ट है ये एम टू हुआ तो फिर क्या रिटर्न करें, नल ही रिटर्न करें, क्योंकि एम्प्टी है तो एम्प्टी ही रिटर्न करें, एम्प्टी रिटर्न करेगा। और अगर ये हेड और फॉलोड बाई टेल की शक्ल का हुआ तो फिर हम एच को देखेंगे, जो हेड है, जो पहला एलिमेंट है लिस्ट का, नेट लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है, हम इसको देखेंगे। अगर ये जीरो हुआ तो हम आगे रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करेंगे विदाउट द हेड, क्योंकि हेड जीरो है तो इसको निकाल के देखेंगे। और अगर हेड जीरो नहीं हुआ तो फिर इस हेड को लिस्ट का हिस्सा बना के रखेंगे और आगे बाकी एलिमेंट्स को चेक करेंगे। तो इस काम को करवाने के लिए हमें हेड को देखना होगा कि ये जीरो है या नहीं है। तो इसके लिए मैच इक्वालिटी बी एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, जीरो के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वालिटी बी जीरो, ये एक बूलियन फंक्शन है, एच इस लिस्ट का जो पहला हेड एक वैल्यू है, इसको हम जीरो के साथ कंपेयर करेंगे, अगर ये जीरो के बराबर हुआ तो ये ट्रू देगा, तो ये ट्रू देगा। अगर ये जीरो के बराबर है मींस कि इट इज जीरो, तो फिर इसको एच को इग्नोर करके नॉन जीरो को कॉल कर लेंगे टेल के लिए, और नॉन जीरो उसको कॉल कर लेंगे और टेल एज आर्गुमेंट पास करेंगे, और हेड को हमने इग्नोर किया क्योंकि हेड दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये फॉल्स है मींस कि ये नॉन जीरो है, तो इसको फिर शामिल करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे, और उस हेड को लिस्ट के हेड पर लगाएंगे, फिर टेल को देखेंगे, और टेल को पास करेंगे, टेल में से फर्दर हम चेक करेंगे कि कोई और जीरो है कि नहीं। तो इसी तरह हम एक नया लिस्ट बनाएंगे जिसमें से जीरो नहीं होंगे, जब जीरो आएगा तो ये ट्रू वाला केस फॉलो होगा, और नॉन जीरो टेल के लिए इसको फॉलो करेंगे, और जीरो जो एच जो हेड है जो जीरो के बराबर है तो ये हम निकाल देंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो हमें हमारे पास चूंकि दो पैटर्न मैचिंग है, तो हम इस तरह करेंगे कि पहले पैटर्न मैचिंग को एंड से खत्म कर देंगे, दूसरे पैटर्न मैचिंग को एंड से खत्म कर देंगे, और पूरी फिक्स फाइंड को डॉट से खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं इसको, स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको ठीक करते हैं। ओके, सो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम इसको देख सकते हैं कि क्या ये फंक्शन ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। कंप्यूट नॉन जीरोस, और एक लिस्ट में पास करना चाहता हूं 3, 4, 0, 5, 0, 6, 7, ये एक लिस्ट में पास करूं एज ए आर्गुमेंट, और इसमें से दो जीरोज है, तो हमारे पास ये जो लिस्ट नेट लिस्ट रिटर्न कराएगा ये 3, 4, 5, 6, 7 होना चाहिए, दो जीरोज को उसमें से निकालना चाहिए। देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, तो ये फंक्शन ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, नॉन जीरोज इसमें एक लिस्ट हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया, और इसमें से हम देखना चाहते हैं कि जीरोज जो एलिमेंट है जीरोस, उसको हम इस लिस्ट से निकालना है। तो एल को पैटर्न मैचिंग करेंगे, एल अगर एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी ही रिटर्न कराए, और अगर एल नॉन एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट हुआ तो इसका मतलब है कि ये इसी शक्ल का होगा, कोई हेड होगा और कोई टेल होगा। हम इस हेड को देखेंगे कि ये जीरो हुआ तो इसको इग्नोर करके टेल के लिए नॉन जीरो उसको कॉल करें, अगर हेड जीरो के बराबर नहीं हुआ, कोई नॉन जीरो एलिमेंट हुआ, तो इस हेड को लिस्ट में जो नया लिस्ट बनेगा इधर जो हम रिटर्न कराएंगे, इसका हिस्सा बनाया जाए और पर द टेल में से देखा जाए, दूसरे एलिमेंट्स को चेक किया जाए। तो हमने एक लिस्ट डिफाइन किया जिसमें जीरोस नहीं होंगे। इसी तरह हम एक और रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसमें ऑड मेंबर्स को रखा जाएगा, अगर किसी नेट लिस्ट में कोई वैल्यू ऑड है तो उसको रखा जाएगा, और जो इवन है उसको
निकाल दिया जाएगा। तो इस रिकर्सिव फंक्शन का नाम है ऑड मेंबर्स, ऑड मेंबर्स। और लिस्ट इसको जो हम पास करेंगे दैट इज एल अप टाइप नेट लिस्ट, और ये जो रिटर्न करेगा वो भी नेट लिस्ट ही होगा। एंड दैट इज टू बी डिफाइन एज, पैटर्न मैचिंग करेंगे एल के ऊपर। हम क्या करने वाले हैं, ऑड मेंबर्स ये सिर्फ ऑड मेंबर्स ही रखेगा, इवन मेंबर्स को निकाल देगा, इस लिस्ट से निकाल देगा। नेट नेचुरल नंबर्स का एक लिस्ट है, इसमें से ऑड मेंबर्स को रखेगा, इवन नंबर्स को निकाल लेगा। तो अगर लिस्ट नल है तो नल ही रिटर्न करेगा। मैं नोट करेंगे, मैं कभी कुछ जगहों पर मैं नोटेशन यूज करूँ, कुछ जगहों पर मैं इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, तो हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन मैं दोनों यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम दोनों यूज कर सकते हैं। टेक्निकली वी आर अलाउड टू यूज एनी ऑफ देम। ओके, अगर कॉन्स एच और टेल की शक्ल का हो, अगर एल जो लिस्ट है जिसमें कोई इवन और ऑड तो छोड़े बल्कि एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो नल ही रिटर्न करे। लेकिन अगर हेड और टेल की शक्ल का हुआ तो फिर हमें हेड को देखना होगा कि क्या हेड ऑड है या इवन है। तो हमारे पास इसके ऊपर पैटर्न मैचिंग करेंगे और ऑड बी हम देखेंगे, ऑड बी देखेंगे कि एच विथ, अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ यानी एच जो वैल्यू है, जो पहला एलिमेंट है इस लिस्ट का, अगर वो ऑड है यानी ट्रू है, तो फिर क्या रिटर्न करें, इस एच को इस लिस्ट का हिस्सा रहने दिया जाए और ऑड मेंबर्स जो फंक्शन है ऑड मेंबर्स इसको कॉल किया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स टेल में। टेल में जो बाकी एलिमेंट्स है इसको चेक करने के लिए इसको रिकर्सिवली कॉल किया जाए। और अगर ये एलिमेंट फॉल्स है, ये ऑड नहीं है तो यानी इवन है, तो इसको निकाल दिया जाए और ऑड मेंबर्स को टेल के लिए कॉल किया जाए। सो ऑड मेंबर्स इज कॉल्ड रिकर्सिवली कॉल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। पहले दूसरे ये जो इंटरनल मैच पैटर्न मैचिंग है इसको एंड से क्लोज करेंगे, एक्सटर्नल को बी एंड से क्लोज करेंगे और पूरी डेफिनेशन को डॉट से क्लोज करेंगे। लेट मी कंपाइल दिस फंक्शन और देखते हैं कि ये ठीक काम कर रहे कि नहीं। तो कॉक एक्सेप्ट दिस फंक्शन, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज के लिए हम चेक कर सकते हैं। लेट मी चेक दिस यूजिंग कंप्यूट, कंप्यूट ऑड मेंबर्स, और मैं इसमें से 3, 4, 0, 2, 4, 5 इस लिस्ट को हम कॉल करते हैं। सो इसमें ऑड मेंबर्स को रखा जाएगा, सो 3 और 5 इसमें से ऑड है, बाकी सारे इवन नंबर्स निकाल दिए जाएंगे। सो 3 और 5 ही ऑड मेंबर्स है, इसको रखा जाते हैं, बाकी सारे मेंबर्स को हम निकाल लेते हैं। तो ऑड मेंबर्स, इसी तरह हम इवन मेंबर्स भी कोई फंक्शन भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक्सरसाइज है, और मैं इसको इधर ऐसे लिखता हूँ, एक्सरसाइज फॉर यू एस के आप इस तरह करें, फिक्स फाइंड इवन मेंबर्स नेट लिस्ट, और रिटर्न भी नेट लिस्ट ही करेगा। और यहाँ पर फिल इन हियर, तो इवन नंबर्स एक फंक्शन आप डिफाइन करें जो कि किसी लिस्ट को जब आप पास करेंगे तो इवन मेंबर्स को रखे और ऑड मेंबर्स को निकाल ले लिस्ट में से। तो ओके, सो ऑड मेंबर्स जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इसी के ऊपर हम एक इसका लेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ऑड मेंबर्स है इसका लेंथ क्या होगा। तो फिक्स फाइंड काउंट ऑड मेंबर्स, यानी किसी लिस्ट में जो ऑड मेंबर्स है वो कितने हैं, नेट लिस्ट एक लिस्ट हम एज आर्गुमेंट पास करेंगे नेट लिस्ट, और जो रिटर्न करेगा नेट नेचुरल नंबर होगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑड मेंबर्स की जो वैल्यू है दैट इज अप टाइप नेट, वो नेट ही होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी लिस्ट नेट लिस्ट में अगर फाइव
odd members है तो return 5 ही करेगा, तो 5 is a natural number, तो that's why the return type is nat. Is to be defined is, हम matching pattern matching करेंगे L के ऊपर, और हम देखेंगे कि अगर जो list हम pass करना चाहते हैं, अगर ये nil हुआ तो 0 return करना चाहिए, क्योंकि the number of odd members is 0, empty list में कोई odd member नहीं है, तो 0 would be return. और अगर ये cons h tail की शक्ल का हुआ तो फिर हमें देखना होगा, ये जो h है पहला एलिमेंट है इसको हम देखेंगे match, और ये odd bh ये odd है कि नहीं, तो अगर ये odd हुआ तो true हुआ, यानी अगर ये जो h है पहला एलिमेंट ये अगर odd हुआ यानी true है, तो फिर क्या return करें, इसको increment करें, जो भी rest of the tail जो है ये recursively जो भी value return करेगा इसको increment किया जाए, तो count odd members और tail के लिए हम call कर रहे हैं, और इसको दोबारा इसको बार बार हम recursively call कर रहे हैं with tail, और इसको एक s हम लगा लेते हैं क्योंकि h एक element है जो कि odd है, तो इसको हम एक s लगाते हैं, that means कि 0 is incremented क्योंकि at the end ये 0 ही return करे, so that 0 is incremented by 1. अब अगर recursively हम इसको call करें और फिर कोई और h ऐसा मिल जाता है जिसके लिए odd b function true return करेगा, तो उसको भी एक और s लगा दिया जाता है, और अगर किसी value के लिए वो odd नहीं है false return किया जाता है, तो फिर ये successor हम नहीं लगाएंगे, just हम इसको recursively count odd members tell call करेंगे, और ये जो pattern matching है internal this is closed with end, और external को end से close करते हैं और फिर dot लगाते हैं, तो इसको हम compile करके देखते हैं. अच्छा यहाँ पर मैंने ये इधर एक list होगा जो कि net type का होगा, अच्छा ये function incomplete है, तो मैं इसको पूरी तरह से मैं comment कर देता हूँ, ये accept नहीं कर रहा, तो हम नीचे चले जाएंगे. ओके सो काउंट ऑड मेंबर्स हमने डिफाइन किया, अब हम इसको देख सकते हैं कि काउंट ऑड मेंबर्स ठीक तरह से चल रहे कि नहीं. लेट मी यूज दिस काउंट ऑड मेंबर्स, और मैं एक लिस्ट पास करना चाहता हूं 3, 4 और 0, 4, 5, 7. तो इसमें जो odd members है, 0 is considered to be even according to the odd members odd b definition. So हमारे पास odd 3 है, 5 है, 7 है, so it should return 3. Let me check this. It returns 3. So the number of odd members in this list are 3. So that's why it returns 3. तो इसी तरह हम बहुत सारे और functions define कर सकते हैं. To count the odd members in over the net list, or count odd members हमने define किया, लेकिन हम existing functions को भी use करके इसको ज़्यादा आसानी के साथ define कर सकते हैं. For example, हम recursive function की हमें ज़रूरत नहीं है. Count odd members मैं इसको dots prime से represent करूँगा, तो हम इसको L एक list net list पास करेंगे और ये return net ही करेगा, and this is to be defined as. हम क्या कर सकते हैं, हम already odd members यानी net list में L जो है इसमें से odd members निकाल के इसके लिए हम एक function odd members already define कर चुके हैं, तो odd members L ये क्या करेगा, ये function इस list L में से even numbers निकाल के just odd members का एक list बना लेगा.
और किसी भी लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए लेंथ एक फंक्शन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. सो वी कैन अप्लाई दिस लेंथ फंक्शन ओवर टू ऑड मेंबर्स एल. तो ये ऑड मेंबर्स एल एक ऐसा लिस्ट एल से बनाएगा जिसमें सिर्फ ऑड मेंबर्स होंगे, लेंथ इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके रिटर्न करा लेगा. तो हम इस ऑड काउंट ऑड मेंबर्स फंक्शन को इसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑड मेंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. तो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को यूज करके हम एक नया डेफिनेशन बना सकते हैं और ये डेफिनेशन रिकर्सिव नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर लेंथ और ऑड मेंबर्स ये जो फंक्शन है ये खुद से रिकर्सिव है. तो ज्यादा पीछीदा इसी तरह पैटर्न मैचिंग यूज करके फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है. अगर हम आराम से एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को यूज करके बना सकते हैं, सो वी शुड फॉलो दिस अप्रोच, जिसमें एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को यूज करके आप एक नया डेफिनेशन बना